हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वाइब आइल्स। जैसे कि आपको पता लग चुका है कि आज की हमारी वीडियो होने वाली है डूज एंड डोंट्स ऑफ स्पीकिंग। क्या क्या चीज़ें आपको स्पीकिंग में करनी चाहिए और क्या क्या नहीं करनी चाहिए, जिसे आपको अवॉइड करना चाहिए आपकी प्रैक्टिस के दौरान और आपके एग्ज़ाम के टाइम। सबसे पहली जो चीज़ है आपको करनी चाहिए इज़ टू स्टे रिलैक्स। अब स्टे रिलैक्स से मेरा मतलब है कि अपने आप को काम रखना, शांत रखना जितना आपसे हो सके। अब इसके बहुत सारे तरीके हैं, आप कुछ भी कर सकते हो जो आपको सही लगे, चाहे म्यूज़िक, चाहे मेडिटेशन, कुछ भी जिससे आपकी माइंड शांत हो। जिससे क्या होगा कि आप अच्छे से सोच पाओगे, अपने आंसर्स को अच्छे से बता सकोगे अपने एग्जामिनर को। सेकेंड थिंग है इज़ टू स्टे कॉन्फिडेंट। अब कॉन्फिडेंट रहने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। फर्स्ट इज टू, जो यही है, रिलैक्स रहोगे तो कॉन्फिडेंट रहोगे। सबसे पहली चीज़ है प्रैक्टिस। जितने अच्छे से आप प्रैक्टिस करते हो उतने अच्छे से आपको पता लगेगा अच्छा बोल रहे हो, आप सही बोल रहे हो और आप कॉन्फिडेंट रहोगे अपने एग्ज़ाम के टाइम। ठीक है, सेकंड चीज़ है डू नॉट थिंक बट अदर्स थिंक। कभी भी ये नहीं सोचना कि दूसरा बंदा मेरे बारे में क्या सोच रहा है, चाहे वो आपका एग्ज़ामिनर है, आपका टीचर है। जब आप स्पीकिंग दे रहे हो, जब आप ये सोच रहे हो ना कि आप ने कोई लाइन बोली और आप वो सही नहीं है या आइडिया या वैसा कुछ, अगर आप ये सोच रहे हो भी मैंने ऐसा कुछ बोल दिया और अगले बंदा क्या सोचेगा आप ये क्या बोल रहा है। सबसे पहली चीज़ जो क्या है, स्पीकिंग जो है आपकी इंग्लिश का टेस्ट है। ठीक है, आपके आइडियाज़ का या आपके जो भी आप बोल रहे हो उसका नहीं है, आपकी इंग्लिश चेक होएगी उसमें। ठीक है, और कुछ चेक नहीं होगा। ठीक है, राइटिंग में भी सब आपको ये बताते हैं कि आपको आपका आइडिया चाहे स्मॉल हो, बहुत यूनिक आइडिया नहीं हो, बट अगर आप उसको अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हो, एक्सप्लेन कर रहे हो तो बहुत अच्छा है। यही चीज़ आपको स्पीकिंग में करनी है। ज़रूरी नहीं है कि आपको ओवर द टॉप कोई आइडिया लेके आना है। ठीक है, वही सबसे अच्छा रहेगा। नो, अगर आप स्मॉल सिंपल आइडिया भी एक्सप्लेन करते हो तो वह भी सही है। ऐसे नहीं सोचना कि अगर मैंने सिंपल बोला है तो एग्जामिनर क्या सोचेगा कि इसको सिंपल आइडियाज़ आते हैं। नो, अगर आपका आइडिया जो है वो रेलेवेंट है आपके टॉपिक के साथ। एक चीज़ क्या होती है, जब आप क्यू कार्ड करते हो, ठीक है, क्यू कार्ड भी में क्वेश्चंस में भी होता है। ठीक है, जब तक आपका आइडिया रेलेवेंट है, चाहे वो स्मॉल है सिंपल है, तब तक आप बिल्कुल सही हो। अगर आपका आइडिया रेलेवेंट नहीं है और आप बोले जा रहे हो तो वो चीज़ तो चलो सही नहीं होगी किसी भी तरीके से। ठीक है, सो पहला किया है आपको इंग्लिश फोकस करने है। ये आपके आइडियाज़ पे नहीं है, आपका आइडिया रेलेवेंट होना चाहिए चाहे वो सिंपल ही क्यों ना हो। ठीक है, थर्ड चीज़ है आपको ज़रूर करनी चाहिए जो आपके डूज में आती है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग, सबसे अच्छी इज़ टू रिकॉर्ड योर सेल्फ। यह बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब अगर आप प्रैक्टिस करो, चलो एग्ज़ाम में तो होनी है, चाहे आप खुद कर रहे हो अकेले प्रैक्टिस, चाहे एग्ज़ामिनर के साथ कर रहे हो, आपके टीचर के साथ कर रहे हो, अपने फ्रेंड के साथ कर रहे हो, अपने आप को रिकॉर्ड ज़रूर करो। रिकॉर्ड से क्या होता है, आपको हेल्प करेगा मिस्टेक को आइडेंटिफाई करने में, आपकी जो भी आप मिस्टेक कर रहे हो। ठीक है, ये चीज़ आपको राइटिंग में भी सर जैसे बोलते हैं कि आप सारा ऐसे लिख लो। ठीक है, अपने 5 मिनट जरूर रखो जिस पे आप उसको चेक कर सको। ठीक है, स्पीकिंग में जो है रिकॉर्डिंग आपका एक ऐसा हथियार है, एक प्रो टिप है आपके लिए कि रिकॉर्ड करोगे जब तक आप अपने आप को अच्छे से अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसको करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसमें क्या मैं ऐड करना चाहूँगी कि अगर आप जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो अपने टीचर के साथ, अगर आप अपने कोई इंस्टीट्यूट में हो, ठीक है, आप अपने टीचर के साथ कर रहे हो, तब तो ज़रूर से ज़रूर रिकॉर्ड करो अपने आप को। इससे क्या होगा, आपको
पता लग जाएगा कि मेरे को टीचर ने कहाँ कहाँ पे करेक्ट किया था, कहाँ कहाँ पे मेरी मिस्टेक्स थी और कहाँ कहाँ पे उन्होंने मुझे अच्छी चीज़ें बताई, ये आप करो या मत करो। क्योंकि स्पीकिंग जो होती है वो हम बच्चे क्या करते हैं कि उनको तो हाँ 5 मिनट की है, अगर कुछ बोलेगा टीचर तो हम नोट कर लेंगे, वो लिखी रह जाती है आपकी कॉपी पे। अगर आपके पास रिकॉर्डिंग होगी, आप इंस्टीट्यूट से घर जा रहे हो, आप अगर बस से जा रहे हो या पैदल भी जा रहे हो, कैसे भी आप रास्ते में उसको सुन सकते हो, आपको पता लग जाएगा कि हाँ मैंने यहाँ पे गलत बोला था, आपको कहाँ कहाँ पे आप ज़्यादा रुक रहे हो, पोज ले रहे हो या गलत वर्ड वर्ड बोल रहे हो, ठीक है, कुछ भी गलत बोला आपको पता लगेगा, या अच्छी चीज़ें हैं वो भी पता लगेगी ताकि आप उसको स्ट्रोंग कर सको, राइट। ठीक है, आपको रिकॉर्डिंग ज़रूर से ज़रूर करनी है, आपको बहुत 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 हेल्प करेगी। ठीक है, फोर्थ चीज़ है कि अवॉइड करो, सॉरी, शॉर्ट आंसर्स। ठीक है, इसका क्या मतलब है? अगर आप सिर्फ ये कर, किसी ने आपको पूछा कि व्हाट डू यू लाइक या आपका फेवरेट कलर, आपने बोला दिस वाइट इज़ माई फेवरेट कलर, बस एक लाइन में आंसर, वन लाइन आंसर्स नहीं देने हमें। जो आपका वन लाइन आंसर है वो क्या बताता है? वो बताता है कि बच्चे को इंग्लिश कम आती है, उसे क्या है लिंकर्स जो है वो नहीं आते, वो कैब जो है वो नहीं आते, आइडिया को एक्सप्लेन करना नहीं आता, ये तीनों चीज़ें नहीं आती, ये आपकी वन लाइन जो आंसर है ये प्रॉब्लम देती है आपको। इससे अच्छा आप क्या कर सकते हो लिंकर वर्ड्स को ऐड। लिंकर वर्ड्स बहुत सारे होते हैं, हाउएवर, बिकॉज, एंड, इफ, ऑल्सो, एडिशनली, बहुत सारे हैं, बहुत ज़्यादा वैरायटी है। आप याद करिए, आप राइटिंग में भी यूज़ करते हैं, आप स्पीकिंग में भी यूज़ कर सकते हैं उन चीज़ों को। ओके, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी आइडियाज़ को ऐड करने में। अब शॉर्ट आंसर्स को अवॉइड कैसे करना है? उसके साथ वाई लगा के। यहाँ पे एक टिप क्या है आपकी, कभी भी ये मत सोचो, इस चीज़ के लिए मत रुको कि हमें टीचर या एग्जामिनर पूछेगा वाई तभी हमने वाई ऐड करना है। नो, अपने वाई को अपने आंसर में पहले से ऐड करो और अपने जो आपका आइडिया है उसे रीज़न देकर एक्सप्लेन करो। इससे आपकी वन लाइन आंसर की जो है वो आदत छूट जाएगी, आपका आंसर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन होगा, चाहे आपका पार्ट वन है स्पीकिंग का, चाहे टू है, चाहे थ्री है। ठीक है, सो बेटर है कि अपने शॉर्ट आंसर को अवॉइड करने की कोशिश करो। ओके, नेक्स्ट जो हमारी फिफ्थ जो चीज़ है, आपको क्या करना चाहिए इज़ यूज़ करो फिलर वर्ड्स। अब बहुत बच्चे ऐसे कहेंगे कि मैम हमें तो सर या हमारे जो टीचर्स हैं वो कहते हैं कि हमें फिलर्स यूज़ नहीं करने चाहिए। फिलर्स यूज़ नहीं करने चाहिए एक्सेसिव, बहुत ज़्यादा अमाउंट में। जैसे फिलर्स बहुत बच्चे कौन से यूज़ करते हैं, ऐसे सोचने लग जाते हैं। ये जो फिलर्स है अगर हम बहुत ज़्यादा हर एक क्वेश्चन में यूज़ करेंगे तो वो एक्सेसिव जो है किसी भी चीज़ का वो हार्म करेगा, करेगा ख़राब करेगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो इनकी जगह पर, अगर आप एक आधे क्वेश्चन में बोल रहे हो इट्स फाइन, ये नेचुरल है, आपकी नेचुरल स्पीकिंग को दिखाता है, बट अगर आप ज़्यादा बोल रहे हो तो ऑब्वियस है वो प्रॉब्लम करेगा। इसके अलावा आप क्या यूज सकते हो एग्जाम्पल, जैसे बोल सकते हैं लेट मी सी, या फिर दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, या फिर अगर आपको किसी चीज़ का नहीं पता, आई नेवर हर्ड अबाउट इट, लेट मी थिंक। ठीक है, आगे आप अपना आंसर बोल सकते हो। ये जो होते हैं ये होते हैं फिलर वर्ड्स, ये हेल्प करेंगे आपको, टाइम देते हैं अपने आइडिया को सोचने का, एक्सप्लेन करने का, आपके फ्लो को मेंटेन करने का। ठीक है, आपसे कोई मिस्टेक ना हो उसको बचाने के लिए। ठीक है, सो आप यूज़ कर सकते हो फिलर वर्ड्स का, ये बहुत सारे होते हैं, कैसे भी जिसमें भी आप परफेक्ट हो, जिसको भी आप कंफर्टेबल हो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है,
नेक्स्ट इज द मेजर मिस्टेक पीपल थिंक स्टूडेंट थिंक इज फ्लुएंसी जो है वो फास्ट स्पीकिंग होती है. नो नेवर. फ्लुएंसी का मतलब है एक लय में बोलना, एक फ्लो में बोलना, अच्छे से अपने वर्ड्स को बिना रुके, बिना अटके, बिना हेजिटेट किए, ठीक है, उसे हम फ्लुएंसी बोलते हैं सिंपल भाषा में बोले तो, ठीक है. बट उसका फास्ट स्पीकिंग से कोई लेना देना नहीं है. फास्ट स्पीकिंग रॉन्ग होती है. प्लीज़ बच्चे जो भी ये देख रहे हैं, हमारे पास भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो फास्ट स्पीकिंग करते हैं. उससे क्या होता है, उन जो एग्ज़ामिनर हैं, जो हम हैं टीचर्स हैं, वो क्या करते हैं, उनको जो उनके जो वर्ड्स हैं वोकेबलरी के, वो समझ नहीं आते, हमें पता नहीं लगता. अगर वो उसने बहुत गुड वाला, बहुत अच्छे वाला वर्ड भी बोला होगा तो हमें समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो इतना फास्ट बोल गया, ठीक है. अगर उसको समझ ही नहीं आ रही आपकी स्पीकिंग तो वो आपको बैन कैसे देगा, राइट. सो बेटर है कि आप अपने नॉर्मल स्पीड में बोलो, ठीक है, अडोप्ट करो अपने नॉर्मल स्पीड को, फास्ट स्पीकिंग मत करो. और एक बात जो है फ्लुएंसी को जो, या फिर इंग्लिश को मेनली हम कह दें, बच्चे क्या करते हैं एक्सेंट के साथ जोड़ते हैं. ये हमारा 7th पॉइंट आप लगा लीजिए. एक्सेंट मत यूज़ करो, फेक जो एक्सेंट है वो ख़राब करेगा आपकी स्पीकिंग को. जैसे कि आप, हमारा अपना इंडियन एक्सेंट है हमारे पास, आपको ब्रिटिश या अमेरिकन एक्सेंट अडॉप्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो साउथ के हैं लोग, आप चाहे चेक कर लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, आई नो सम पीपल ऑफ जो कि बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं. जो साउथ के पीपल होते हैं उनको हिंदी चाहे कम अच्छी आती हो, बट उनकी इंग्लिश जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है. स्टिल उनका जो एक्सेंट होता है, उनका जो खुद का एक्सेंट होता है जो उनकी नेटिव लैंग्वेज का, चाहे वो तेलुगु, कन्नड़, तमिल कुछ भी है, वही रहता है. उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी, इतनी अच्छी इंग्लिश बोल लेंगे जितनी हमें भी नहीं आती होगी, ठीक है. बट उनका एक्सेंट जो होता है वो सेम रहता है, वो डिफरेंट नहीं होगा. वो ब्रिटिश या अमेरिकन को अडॉप्ट नहीं करते, ठीक है. सेम एज अगर हम इंडिया की बात ना भी करें, फॉरेन कंट्रीज़ की बात करें, फ्रेंच हो गए, जर्मन हो गए, स्पेनिश पीपल हो गए, वो इंग्लिश बोलते हैं पर खुद के एक्सेंट में. स्टिल हम कहते हैं वाह यार ये तो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहा है, पर उनको भी प्रॉब्लम आती है, उनकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है. तो आप, सो प्लीज़ सब लोग इसको अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है, इसको अवॉइड करें जितना हो सके. प्लीज़ इतने फेक एक्सेंट मत यूज़ करो कि अगला बंदा पहचान ले. ऑब्वियस है, सबको पता लगेगा अगर आप फेक यूज़ कर रहे हो, ओके. नेक्स्ट नेक्स्ट थिंग वी हैव इज़, जो मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट, जो पहले वाली थी वो भी इम्पोर्टेंट थी, बट ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट टिप है और कह रहे हैं पॉइंट है हमारा, इज़ दैट के डोंट गो बैक to correct your mistake. यहाँ पे मैं एक पॉज लेना चाहूँगी ये बताने के लिए कि जो भी बच्चे ऑनलाइन क्लास में इंटरेस्टेड हैं राइटिंग एंड रीडिंग की, ठीक है, हमारे से जिसको भी इंटरेस्ट है लेने का, जो जाते हैं राइटिंग और रीडिंग की क्लासेस लेने के लिए, वो क्लासेस 1 अगस्त से स्टार्ट हो रही है हमारा न्यू बैच. जिसको भी एनरोल करना हो वो 8168321916 और 9467488225 पर व्हाट्सएप करें. आपको इसके अकॉर्डिंग, क्लास के अकॉर्डिंग सभी डिटेल्स, प्राइस, टाइमिंग सब पता लग जाएंगी. वैसे मैं बता भी दूं, इसकी टाइमिंग रहेगी इवनिंग की 6 के बाद, ठीक है, जो भी हम टाइमिंग होगी इवनिंग की होगी इंडिया के अकॉर्डिंग. प्लीज़ बच्चे जो फॉरेन के हैं, जो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और वहाँ से कर रहे हैं या कहीं और से कर रहे हैं, तो प्लीज़ ये इंडिया के अकॉर्डिंग टाइमिंग है जो इवनिंग की टाइमिंग रहेगी. और इसकी फ़ीस अराउंड 2500 रहेगी. जिसको भी, जो भी चाहता है एनरोल करना, राइटिंग और रीडिंग की होगी. सो प्लीज़ ये मत पूछने लग जाना कि आप सभी
करते हो कि नहीं। फिलहाल हम सिर्फ राइटिंग और रीडिंग की ऑनलाइन क्लास शुरू कर रहे हैं 1 अगस्त से, और आप इन दोनों नंबर्स पे हमें प्लीज़ व्हाट्सएप कीजिएगा। कॉल मत करना बच्चों, बहुत ज़्यादा कॉल्स आने लग जाती हैं, जो बहुत ही प्रॉब्लम होता है हमें, हर एक की कॉल रिसीव नहीं कर सकते हम। जो भी आपकी क्वायरी भी है, तो जिसी को भी कहीं को होता भी हमें बात करनी है सर से या कुछ भी, प्लीज़ आप व्हाट्सएप कर दीजिए। जो भी आपको रिवर्ट मिल जाएगा जल्दी से जल्दी, इतना जल्दी हो सके, बट कॉलिंग का प्लीज़ मत कीजिए। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम एक एक की कॉल रिसीव कर सकें। सो जिसको भी एनरोल करना हो 1 अगस्त से पहले एनरोल कर ले, ठीक है। और इसका बैच फॉर इम्पोर्टेंट 15 डेज़ का रहेगा, दोनों राइटिंग और रीडिंग का। सभी टास्क कंप्लीट होंगे, सभी तरीके के क्वेश्चन टाइप्स हम आपकी रीडिंग में कंप्लीट करे जाएंगे अच्छे से, सबके चेक होगी राइटिंग, और आपको मॉक टेस्ट होगा। 2 या 3 मॉक टेस्ट हो जाते हैं मोस्टली इसमें, 15 दिनों में आपके मॉक टेस्ट भी होंगे। अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, सभी टास्क वगैरह आपको PDFs में मिल जाएंगे, आपको रिकॉर्डिंग लेक्चर्स में मिल जाएंगे। जो भी हमारी क्लास लगे उसके रिकॉर्डेड लेक्चर, अगर बाई चांस आप मिस कर देते हो या आपको कई बार काम आ जाते हैं या कुछ भी, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे ग्रुप में। कमिंग बैक टू द पॉइंट, हमारा जो था, डू नॉट गो बैक टू करेक्ट योर मिस्टेक। ये बहुत 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 सारे बच्चे करते हैं, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि जो भी हमारे इंस्टीट्यूट में भी आए हैं या हमारे ऑनलाइन क्लासेस भी हुए हैं, बहुत बच्चे ऐसा क्या करते हैं, एक आपने सेंटेंस बोल दिया, ठीक है, आपको पता लग रहा है यहाँ पर मैंने ग्रामर की मिस्टेक कर दी। मोस्टली ग्रामर की मिस्टेक ही करते हैं बच्चे, ठीक है, 80%, बाकी हो भी सकती है कोई भी। आपको सेंटेंस बोला, आपको पता है मैंने मिस्टेक की, क्या करेंगे, वापस से आएंगे, ये सारा सेंटेंस पूरा बोलेंगे, यहाँ पे अपनी मिस्टेक को करेक्ट करेंगे और फिर बोलेंगे। बच्चे ये चीज़ ध्यान से सुन लीजिएगा कि जब भी आप स्पीकिंग दे रहे हो, आप अपने फ्लो में स्पीकिंग दे रहे हो, चाहे प्रैक्टिस में दे होगे या एग्ज़ाम में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। कभी भी अपनी मिस्टेक को करेक्ट मत करो। जब आप फ्लो में स्पीकिंग दे रहे हो ना, तो आपकी जो मिस्टेक है वो नोटिस नहीं की जाती, ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने भी कई बच्चे जो अच्छे से बढ़िया स्पीकिंग, जो 7+ वाले होते हैं जैसे दे रहे हैं, कई बार 5 वाले या 6 वाले भी जैसे नॉर्मली दे रहे हैं, है ना, आप अच्छे से, आपको प्रिपेयर है, आप बाई चांस मिस्टेक सबसे होती है, 9 बैंड वाले से भी होते हैं, आपने कर दी, वापस जाके उसको करेक्ट करके हमें मत दिखाओ कि ये देखो आप हाईलाइट कर रहे हो यहाँ पे भी, हाँ जी, ट्रिगर कर रहे हो टीचर को भी, देखो सर मैंने यहाँ पे मिस्टेक की, अब इसको पकड़ो और मेरे बैंड काटो। प्लीज़ ऐसे मत करो, कभी भी वापस जाके अपनी मिस्टेक को करेक्ट मत करो। फ्लो में जा रहे हो, फ्लो में जाइ जाओ, नहीं पता लगता, कई बार ऐसे स्मॉल मिस्टेक्स ग्रामर की हो जाती हैं या वर्ड्स की कई बार हो जाती है, नहीं पता लगेगा उनको, ठीक है। थोड़ी बहुत मिस्टेक्स चलती हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, 9 बैंड वाला भी मिस्टेक करेगा। सो ऐसा मत सोचेगा कि हम करेक्ट कर देंगे तो एग्जामिनर कहेगा वाह भाई बहुत सारा बच्चा है, अपनी मिस्टेक गलती सुधारा है। ये गलती सुधारने वाली बात रियल लाइफ में अच्छी होती है, सॉरी बोल के गलती सुधारना, पर यहाँ पर अच्छी नहीं होगी, यहाँ पर आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। इसको प्लीज़ 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 अवॉइड करें। अगली चीज़ सबको पता होगी, सब ने देखी भी होगी, इज़ टू अवॉइड मेमोराइज आंसर्स। बहुत बच्चे हैं जिनको ऐसा लगता है कि हमने थोड़े बैंड लेने हैं, कहीं रिक्वायरमेंट कम होती है, तो हम ना ऐसे जैसे भी PDF में दिया हुआ ना, जो स्पीकिंग वाले, हम वही आंसर ले लेते हैं, क्या पता लगेगा किसी को, उनको पता लगेगा, वो एग्ज़ामिनर है आपका, उसको पता नहीं 10 साल हो गए कि 15 साल हो गए कि उससे ज़्यादा ही हो गए हैं एग्ज़ाम लेते, पता नहीं कितने बच्चे रोज़ उनको एग्ज़ाम देते हैं, उनको 1 सेकेंड नहीं लगता आपकी मिस्टेक मेमोराइज आंसर वाली पता करने में, ठीक है। सो प्लीज़ इस चीज़ को अवॉइड करें, अपने खुद के आंसर्स बनाओ, खुद बोलो जितना हो सके, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इज़ टू सीक क्लैरिफिकेशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि अगर बाई चांस आपको क्वेश्चन का पता नहीं लग रहा, आपको समझ नहीं आया उस चीज़ का, तो आप क्या कर सकते हो, उससे पूछ सकते हो एग्जामिनर को कि हम मुझे पता नहीं लगा, और उसको प्लीज़ मुझे बताइए, क्लैरिफाई कीजिए। वो आंसर नहीं बताने वाला आपको, ये मत वहम में रहना कि वो आंसर बताएगा, वो आपको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन कर देगा। इसके लिए आप क्या बोल सकते हो एग्जामिनर को पोलाइट वे में, कुड यू प्लीज़ रिपीट दैट फॉर मी, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, कुड यू प्लीज़ एक्सप्लेन दैट फॉर मी, इलेबोरेट दैट फॉर मी, ऐसे लिख सकते हो। ये बहुत अच्छा पोलाइट वे है अगले
को बताने का, पूछने का कि मुझे नहीं समझ आया, और आप उसको रिपीट कर दो, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे क्यू कार्ड के लिए, हमारे पास एक टिप कह दो, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 11th, इज टू मेक गुड यूज़ ऑफ 1 मिनट। जो आपको 1 मिनट का टाइम मिलता है उसको अच्छे से यूज़ करो, जितना हो सके उतना उसको निचोड़ लो। इवन इफ आपको पता है आपका क्यू कार्ड आपको बहुत अच्छे से आता है, मान लीजिए आपको कोई कोई भी क्यू कार्ड आ गया, वो आपको बहुत अच्छे से आया था, आपने रिसेंटली वो पढ़ा ही था, वो आप दे के ही आए थे, जैसे कल ही पढ़ा हो, कल ही आपको वही क्यू कार्ड आ गया, स्टिल आप उस 1 मिनट को अपने आंसर्स को, अपने पॉइंट को, टॉपिक को और एनहेंस करने के लिए यूज़ कर सकते हो। आप और चांद, चार चांद लगा सकते हो जैसे बोलते हैं, ठीक है। गुड यूज़ ऑफ 1 मिनट जरूर करो, ये 1 मिनट है जो आपके सारे क्यू कार्ड को काफ़ी अच्छे से बना सकता है और बिगाड़ सकता है, ये खुद आप पे है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डोंट, हमारा इसके डोंट वरी, अगर आपको स्टॉप कर दिया जाता है मिड सेंटेंस पे, बहुत सारे बच्चे जो है घबरा जाते हैं जब वो कहते हैं सॉरी हम तो बोल रहे थे, हमने आधा ही बोला था, हमने थोड़ा सा ही बोला था, कंप्लीट ही होने वाला था, एग्जामिनर ने रोक दिया। कुछ नहीं होता इससे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जामिनर को पता लग गया है कि आपने अच्छा बोल दिया, कितना बोलना था उसको पता लग गया, उनके पास भी टाइम लिमिट होती है कि उन्हें भी बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम देना पड़ता है, आप अकेले नहीं हो जिसका उसी दिन एग्ज़ाम है, उनके पास टाइम लिमिट होती है, उनको पता है अब इतना लेना है या उतना करना है। अगर आपको बीच रास्ते में उसने बोलते बोलते रोक दिया, सो उस चीज़ की डरो मत, कुछ नहीं होने वाला उससे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसका टाइम आपको पता लग गया है, आपने सही बोला, उसको पता लग गया आपने बोल दिया है, उस चीज़ को लेके घबराना मत, क्यू कार्ड में ऐसे बहुत होता है। अगली चीज़ हमारे पास जो है इज कि फोकस करो, फोकस ऑन योर प्रोनंसिएशन, प्लीज़। बहुत सारे बच्चे हैं हिंदी वाले हैं, पंजाबी वाले मोस्टली, वो अपनी प्रोनंसिएशन पे ध्यान नहीं देते, बहुत ऐसे वर्ड हैं जो हम गलत तरीके से प्रनाउंस कर रहे हैं। प्रोनंसिएशन इम्पोर्टेंट होती है हमारी स्पीकिंग में, जिससे हमें बहुत हेल्प करता है अपने जो बात है दूसरे बंदे को समझाने के लिए। अगर आप वर्ड को गलत प्रनाउंस कर रहे हो तो उसका मतलब भी बदल जाता है, कई ऐसे वोकैब के वर्ड्स होते हैं हमारे पास, वोकैब होती है, अगर आप गलत तरीके से बोल रहे हो तो उसका मतलब बदल जाता है, ठीक है। सो ध्यान रखिए, अपनी प्रोनंसिएशन को सुधारो, वो कैसे सुधरेगी, जब आप रिकॉर्ड करोगे, जैसे मैंने बताया रिकॉर्ड करोगे आपको पता लगेगा ये चीज़ मैंने गलत बोली है, इसको आप सही कैसे कर सकते हो। करेक्ट करने का वे क्या है, गूगल करो, गूगल करो अपना वर्ड, वहाँ पे आपको वर्ड की आ जाती है इन्फॉर्मेशन सारी, उसका मीनिंग वगैरह वो सारे, एकदम से वर्ड लिखोगे उसका मीनिंग लिखोगे आपको लिखा मिल जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे एक हमारे पास ऐसे स्पीक करो जैसे ऐसे बना होता है आइकन सा, उसको दबाते हैं जब हम, उसको क्लिक करेंगे तो वो बोल के बताती है, स्लो में भी बताएगी और फास्ट में भी बताएगी कि कैसे बोलते हैं उसको, ठीक है। उसको यूज़ करो, ये आपकी हेल्प करेगी, आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है उसको इम्प्रूव करने में, ये चीज़ जिन लोगों को प्रॉब्लम आती है, जिन लोग जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं आइल्स की स्पीकिंग के लिए, ठीक है, तो उनको कई लोगों को, बच्चों को टीचर कहते हैं कि आप ये वर्ड गलत तरीके से प्रोनाउंस कर रहे हो, ठीक है, आप ये बहुत अच्छा तरीका है, आपको इम्प्रूव कर सकते हो, जो भी आपको लगता है मेरा गलत है वर्ड वर्ड तो आप उसको करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जो वो है वो कैब। अब आप कहोगे मैम वो कैब में क्या सही और क्या गलत, वो कैब में बहुत चीज़ें जो है डूज हैं और डोंट्स हैं, वो क्या है, सबसे पहला डू क्या है, वो कैब के वर्ड हाँ जी याद करने चाहिए, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें याद करने चाहिए, याद करने को होती हैं जो आपके टॉपिक के रिलेटेड हों, और वो कैब वर्ड वो चीज़ों को याद करो जिनका आपको पता नहीं है। बाई चांस मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके पास आ गया क्यू कार्ड, क्यू कार्ड आ गया आपको किसी फूड का, अब आपको
बोल रहे हो, अच्छे से बोल रहे हो, आप बोल रहे हो कि हमने हाँ जी दही बल्ले खाए थे, ऐसे ऐसे थे, वैसे ऐसे। अब आपको उसको अच्छा बोलना है, उसमें गुड क्या था? गुड था, आपको समझ नहीं आ रही। अब इसको टेस्टी को हम और क्या बोलेंगे? टेस्टी टेस्टी करेंगे, बहुत टेस्टी, इट्स वेरी टेस्टी, द सॉस इज़ वेरी टेस्टी, ये तो होगी रेपिटेशन। अब रेपिटेशन आपको पता है हम किसी जगह पे नहीं कर सकते ज़्यादा, दो बार बोल दिया, तीन बार बोल दिया, भाई 2 मिनट का क्यू कार्ड है एटलीस्ट। आप कितनी बार बोलोगे? 10 बार टेस्टी टेस्टी नहीं बोल सकते? उसको क्या पता लगा कि आपको पता ही नहीं है वो क्या होती क्या है, सिनोनियम से नहीं आते आपको, ठीक है? अब उसको और क्या बोल सकते हैं? अब आप सोचोगे, फिर वहाँ पे आप पॉज लोगे, फ्लो खराब होगा, ठीक है? फ्लुएंसी गई आपकी, पॉज ले लिया, उसको लगेगा आपका ख़त्म हो गया, आप बच्चे को आ नहीं रहा, वो स्टॉप कर देगा आपको, क्यू कार्ड वहीं का वहीं रह गया। इससे अच्छा इसलिए है कि आप वो कैप के वर्ड्स जो जो आपको, अगर आपको लगता है कि हम उन्हें बहुत सारे याद करने हैं, आप करो, वो आप पर है, ठीक है? अगर आपको लगता है कि हम टॉपिक के अकॉर्डिंग जो जो हमारे पास क्यू कार्ड है, क्वेश्चंस है, उसके हैं, वो तो जरूर से ज़रूर याद करो, और खुद याद करो, किसी टीचर के भरोसे मत रहो। क्योंकि वो जो हम कॉपी में लिख देते हैं ना, नोटबुक में उसने लिखवा दिया टीचर ने, 10 लिखवा दिए, 10 लिख लिए, मीनिंग भी लिख लिया, ये भी लिख लिया, प्रैक्टिस करनी नहीं, वो बंद की बर्ड घर पे पड़ी रहेगी, कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। खुद ढूंढो, खुद एफर्ट करो। जब आप खुद ढूंढोगे वर्ड्स, हाँ इसको टेस्टी को और क्या कहते हैं, स्क्रम्पशियस, वाह स्क्रम्पशियस आ गया, अब मैं बोल सकता हूँ, मेरे को याद आ गया। उसकी प्रोनाउंसिएशन भी देखो, उसका प्रॉपर जो है मीनिंग देखो, बहुत इम्पोर्टेंट होता है प्रॉपर मीनिंग याद रखना, पता होना। जब भी आप वोकैब यूज़ कर रहे हो, आपने न्यू वर्ड लिखा, ठीक है, ये आपकी टिप हो गई आज की, कि न्यू वर्ड देखा, उसका मीनिंग देखा, उसका यूज़ देखा, सही वाला करेक्ट यूज़ कैसे करते हैं। ऐसे नहीं होता भी हमने किसी स्टूडेंट ने, हमारे ने जैसे है फ्रेंड, उसने देख लिया वो क्या वर्ड, उसने मेरे को बताया, मैंने भी वो रट्टा मार लिया, पता है नहीं उसको मीनिंग क्या है, उसका यूज़ क्या है, कैसे यूज़ करना है किसी भी लाइन में भी, किस कोई भी वर्ड हम नहीं डाल सकते, चाहे वो वर्ड हो, ईडियम हो, फ्रेज हो, कुछ भी हो, हम ऐसे ही नहीं डाल सकते, ठीक है? सो उसका मीनिंग पता होना चाहिए, उसका यूज़ पता होना चाहिए, उसको कैसे प्रनाउंस करते हैं वो पता होना चाहिए आपको, ठीक है? फिर ही आप यूज़ करें। डोंट में क्या है, ये था आपका डोंट जो मैंने बताया कि ऐसे कोई वर्ड उठा के नहीं डाल देना कहीं पे, ठीक है? मीनिंग मोनिंग सब कुछ पता होना चाहिए। डोंट का मतलब है डोंट ओवर यूज़ वो कैप, सिर्फ वो कैप पे फोकस करना आपको स्पीकिंग में पार लगा देगा, ये नहीं है। हाँ नए वर्ड सीखो, ज़रूर सीखो, पर इतने भी मत सीखो, वाइड बहुत होती है वोकेबलरी, बहुत सारे वर्ड्स हैं जो मुझे भी नहीं पता होगा खुद को, और क्या पता आपको पता हो, मुझे नहीं पता। जरूरी नहीं है हर किसी को हर वो चीज़ आए जो दूसरे को आ रही है, आपको नहीं आ रही, नहीं बोलना आ रहा, नहीं पता उस चीज़ का, कोई बात नहीं, हर दिन हम नए वर्ड सीखते हैं, नए वर्ड यूज़ करते हैं, आप आराम से सीखो, वो ही सीखो जो आप अच्छे से, आपको उसका मीनिंग पता है, आप उसको अच्छे से यूज़ कर सकते हो, वही यूज़ करो, ठीक है? लास्ट में हमारे पास आती है जो फिफ्थ एंड लास्ट थिंग, जो एग्ज़ाम के रिलेटेड है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ आप जिनका जिनका एग्ज़ाम है वो चीज़ देख लें, ठीक है? कि एग्ज़ाम में क्या होता है, एग्ज़ाम के 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, कभी भी जो न्यू वर्ड्स हो गए, स्लैंग्स तो चलो आपका यूज़ करने ही नहीं है, ये तो मैंने वैसे लिख दिया चलो, ठीक है, या फिर ईडियम्स हो गए, फ्रेजेस होगी, ठीक है, कभी भी एग्ज़ाम से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, वीक पहले भी मैं कह रही हूँ नहीं याद करने, अभी भी नहीं याद करने। आपकी बहुत शार्प मेमोरी है भाई, आपके तो आइंस्टाइन हो आप, तो कर लो, मेरे को मत कहना, बट प्लीज़ मत यूज़ करो। कई बच्चे क्या करते हैं, एग्ज़ाम भर दिया, चलो अभी नई नई वीडियोस देखेंगे यूट्यूब पे, टिप्स देखेंगे, ट्रिक्स देखेंगे, एग्ज़ाम से पहले ये करो, एग्ज़ाम से पहले वो करो, ये वाले वर्ड यूज़ करो, ये एग्ज़ाम वाले होते हैं, ये 9 बैंड के वर्ड होते हैं, 9 बैंड के सैम्पल्स होते हैं क्यू कार्ड की। प्लीज़ 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 ऐसा मत करो। इसे आप क्या कर रहे हो, रट्टा मार रहे हो, क्रैमिंग जिसे बोलते हैं, है ना? रट्टा मारा, रट्टा याद भी नहीं रहेगा ढंग से, ठीक है? वहाँ पे जाके आपको सोचोगे, सुनोगे, बोलोगे, आपको क्वेश्चन पूछा उसने, ठीक
ठीक है, आपने सोचा यार मैंने ये वर्ड सीखा था, मैंने ऐसा ही वर्ड देखा था, लाइन लाइन बोली, यहाँ पे वर्ड आना था, सोचने लग गए हो, फ्लुएंसी गई, क्वेश्चन गया, ये नहीं सही हुआ, अगला क्वेश्चन पूछ बोलेगी वो, फिर आपका कॉन्फिडेंस खराब हो जाएगा। ऐसे नहीं करना, नए नए वर्ड्स मत सीखो, जो आपको आते हैं एग्ज़ाम के टाइम, चाहे वो आपकी राइटिंग है चाहे आपकी स्पीकिंग है, एग्ज़ाम के टाइम जब आपने उसको पता है आपने एग्ज़ाम पर भर दिया, चाहे वो 1 वीक बिफोर है या 15 डेज बिफोर आपने भर दिया एग्ज़ाम, आपको पता है ये वाली मेरी डेट है, जो जो आपको चीज़ें आपने सीखी हुई हैं उन पे फोकस करो, उनको स्ट्रोंग करो, ताकि आपको अच्छे से याद रहे, आप उनसे मत हिलो, जब भी आप लिखने जाओगे आपको पक्के से याद होंगी, हाँ यार ये मेरी अच्छी चीज़ें हैं, जो स्ट्रोंग है उनको और स्ट्रोंग करो, ना कि नई नई चीज़ों के बाद पीछे भागो, ठीक है। स्पीकिंग की एक और टिप क्या होती है, जब आप स्पीकिंग में जाते हो तो अपने साथ, आप अकेले जा रहे हो तो थोड़ा सा है ही, चलो खुद प्रैक्टिस करते जाना, अगर आप किसी को साथ लेके जा रहे हो, फैमिली के साथ जा रहे हो, तो उनको कहो कि मेरे से क्वेश्चन पूछें, वो भी इंग्लिश में, और या फिर क्यू कार्ड पूछ लें, ताकि आपका जो माइंड है वो पहले से ही रेडी हो जाए कि हाँ हमारी स्पीकिंग है, इंग्लिश में ही सोचने लग जाए, इंग्लिश में ही आप बोल रहे हो, आपका फ्लो बन जाएगा, आपका माइंड आपका पूरी तरीके से आपके दिमाग में होगा, हाँ हाँ ये है, क्या पता आपको वही चीज़ आ जाए, कई कईयों के साथ है, हो सकता है, लक हो सकता है आपका, आपका जो है फ्लो बन जाएगा, आप जब एग्ज़ाम में जाओगे आपको जो हेजिटेशन है ना वो नहीं होगी जब आप एग्ज़ाम दोगे। ये चीज़ बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, जो सब लोग करें तो बहुत अच्छी बात है, कि एग्ज़ाम से पहले अपने साथ एक बंदा ले जो उससे को क्वेश्चन पूछे, क्यू कार्ड पूछे, ताकि आप इंग्लिश में बोलो, आपका फ्लो बन जाएगा, आप एकदम से जाके वहाँ पे आपको झटका नहीं मिलेगा कि अब मेरे को जाके बोलना है, आपका कॉन्फिडेंस भी सही होगा, आपका फ्लो सही होगा, आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली अप होगा, आपका बैंड अप होगा। ये बात अब नए बच्चे थोड़े से होते हैं, उनको इतना चाहे ना फ़र्क पड़े या कुछ कह दो जैसे भी है, उनको पता ना चले उस चीज़ का, कह सकते हैं हम, बट जो पुराने बच्चे हैं, जो वैसे जिन्होंने एक बार दो बार तीन बार एग्ज़ाम दे दिए, और हमने जब उनको बताया, हमारे भी इंस्टीट्यूट में आया, जब उन्होंने कहा, हमने उनको कहा कि अब ऐसे करना है एग्ज़ाम वाले वाले दिन, तो उनको बहुत फ़र्क लगा, और ये चीज़ सही भी है, हमने भी ये चीज़ देखी है, ठीक है, फील की है हमने, एक्सपीरियंस की है। उसके बाद जो लास्ट में एक और चीज़, सॉरी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इज़ दैट कि हमारा एक ऑनलाइन राइटिंग का कोर्स भी है हमारे पास, जिसे हम जिसमें हमारे पास हैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, टास्क 1 के और टास्क 2 के, और आपको मिल जाएंगे PDFs, सैम्पल जो कि है 9 बैंड जो हमने खुद तैयार किए हैं, आपको नोट्स मिलेंगे टास्क 1 के, मैप के, लाइन हो गया, ग्राफ जो भी होते हैं सभी के नोट मिलेंगे, और आपको मिलेंगे रीडिंग लिसनिंग के PDFs जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ये सारी चीज़ें, और उसके प्लस में आपका स्पीकिंग की जो PDF होती है लेटेस्ट वाली वो भी आपको मिलेगी, जिस ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगे सिर्फ 999 में। आप घर बैठे अगर आप चाहते हो कि मुझे क्लासेस में से नहीं लग रही या मेरे पास टाइम नहीं है, आप किसी भी टाइम ये ले सकते हो कोर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे, आपको ड्राइव का लिंक मिलेगा, आप आराम से इसको एक्सेस कर सकते हो कहीं पे भी, कभी पे भी, जहाँ आप चाहो, और आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो, आप अपने सैम्पल आंसर से लेक्चर्स देख सकते हो, आपके पास नोट्स होंगे आप उसको भी देख सकते हो, जिससे आपको हेल्प मिलेगी, वोकेबलरी वगैरह कैसे कैसे यूज़ करते हैं, मैप में जैसे बहुत ज़्यादा यूज करती है, आपके पास रीडिंग और लिसनिंग के PDF होंगे, या जिससे आप आराम से अपनी रीडिंग और लिसनिंग की प्रैक्टिस भी घर बैठे कर सकते हो, सब कुछ आपको मिलेगा 999 पे। सिर्फ आपको क्या करना है, 8168321916 या फिर 9467488225 पे व्हाट्सएप मैसेज करना है और लिखना है कोर्स, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, बैंक डिटेल मिल जाएंगी, आपको कैसे पे करना है कैसे सारा कुछ, और आपको कोर्स मिल जाएगा, आप आराम से घर बैठे आराम से तैयारी कर सकते हो।
सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. दिस इज़ ऑल अबाउट आवर स्पीकिंग वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें जो भी आपके फ्रेंड्स और या खुद आप कर रहे हो अपने फ्रेंड सर्कल्स में. आप शेयर कर सकते हो हमारी वीडियो ताकि उनको भी ये अच्छे से वो पढ़ सकें, तैयारी कर सकें, बेनिफिशियल हो. और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. मिलते हैं एक और वीडियो में. एंड ना लास्टली, थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए.